नमस्कार, मैं हूं इस्लामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्लास्टिक बैन होने के बावजूद प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है। प्लास्टिक थैलियों को लेकर महानगर पालिका ने कार्रवाई भी की थी। आपको बता दें, प्लास्टिक बैन होने का कारण था प्रदूषण। प्लास्टिक थैलियां अक्सर गटर में फंस जाती हैं, जिसके वजह से जल भराव की स्थिति पैदा हो जाती है। वहीं सड़कों पर पड़े प्लास्टिक की थैलियों को आवारा जानवर खा जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार इन जानवरों की मौत होने की खबर भी सामने आती है। इस प्लास्टिक बैन को लेकर मुंबरा के एमएस कॉलेज के छात्रों ने एक रैली निकाला। यह रैली एमएस कॉलेज से लेकर एमएम वली तक निकाला गया था। इस रैली में प्लास्टिक की थैली ना इस्तेमाल करने को लेकर एमएस कॉलेज के छात्रों ने लोगों को सलाह दी। हम इसके द्वारा लोगों को बताना चाहते हैं कि पूरी तरह से अगर प्लास्टिक बंदी ना हो, जैसे गवर्नमेंट बोलती है आप कुछ तरीके के प्लास्टिक बंद कर दीजिए, कुछ नहीं, अगर आप उसे बंद नहीं कर सकते तो उसे फिर से इस्तेमाल कीजिए। यानी कि अगर आप रीयूज़ नहीं कर सकते तो आप रिफ्यूज़ कीजिए। यानी कि अगर उसका फिर इस्तेमाल नहीं हो सकता तो आप उसे यूज़ मत कीजिए। जैसे कि वाटर बॉटल्स वगैरह होता है या फिर पॉलीथीन बैग्स होता है जो कि 50 माइक्रोन से नीचे होती है, वो सारी बैग्स तकरीबन डिस्पोजेबल नहीं होती और जमा हो जाती है, जिसकी वजह से बाढ़ वगैरह आ जाती है, जानवर वगैरह मर जाते हैं और इवन उसे जलाने से नुकसान भी होता है पर्यावरण को। प्लास्टिक का यूज़ ही नहीं करना चाहिए, कपड़े की थैली यूज़ करें, ताकि ये जो थैली है पूरा कचरा, इसी वजह से बाढ़ आती है, क्योंकि थैली का कचरा बहुत, उसमें बहुत तरह तरह के केमिकल होते हैं, वो केमिकल हमारी बॉडी को नुकसान करते हैं, इसलिए हमें कम से कम थैली इस्तेमाल करना चाहिए। बस मैं यही बोलना चाहती हूँ, पहले दूसरों को नहीं, हम सबको खुद समझना है, हमें प्लास्टिक यूज़ नहीं करना है। ये हमें पता है, ये न्यूज़ में भी बताया है कि हर साल 80 लाख टन प्लास्टिक समुद्र में पाई जाती है, तो हमें इसका कम से कम यूज़ करना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि प्लास्टिक का यूज़ करने से उसके नुकसान कितने सारे हैं, फ़ायदे कुछ भी नहीं है, सिर्फ नुकसान ही है। और आज की यंग जनरेशन है, अगर हमें आज हम इन्हें अगर आज गाइड करते हैं तो ये जाकर के आगे की जनरेशन को गाइड करेंगे। बहुत लोग का ऐसा कहना है कि अगर प्लास्टिक बंद कर दिया जाए तो ऐसा होगा उनका बिजनेस बंद हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं है। अगर आप प्लास्टिक बंद करते हो तो उसके जगह पे आपको दूसरे ऑप्शन है कि आप पेपर्स बैग का भी यूज़ कर सकते हैं। पेपर्स बैग का यूज़ करने से ऐसा होगा कि आप उससे भी काफ़ी फ़ायदे आप ले सकते हो। हम सभी जानते हैं कि प्लास्टिक से ऐसा हो रहा है आजकल कि जानवरों के बॉडी में आधे प्लास्टिक पाए जाते हैं, समुद्र में, नदी में, आसपास, और ये ऐसी चीज़ें हैं जो भी ख़त्म नहीं हो सकती। तो प्लास्टिक को सबसे पहला हमें यह देखना चाहिए कि उसे ख़त्म कैसे करना है। इसके लिए हम छोटा सा प्रयास किया था, प्रयास के थ्रू से हम ये बताना चाहते हैं कि प्लास्टिक हमें बिल्कुल ही यूज़ नहीं करना है। सर ने अभी बताया हमें कि जैसे कुछ प्लास्टिक होते हैं वो डिस्पोजेबल नहीं होते हैं, उस जो है वो ज़मीन में दफन हो जाते हैं, उसकी वजह से जो है पूरी खेत, पूरी ज़मीन जो है बंजर हो जाती है, उसकी वजह से जो है अनाज नहीं उग पाता है, उस जब अनाज नहीं उग पाता है फिर फार्मर्स जो किसान होते हैं हमारे आत्महत्या करने लगते हैं, फिर महंगाई बढ़ने लगती है। तो इसलिए जब तक हम लोग खुद से प्रयास नहीं करेंगे, खुद से हम लोग नहीं करेंगे कि हम थैली ना यूज़ करें, तब तक कुछ नहीं होगा। तो हमें इससे पहले स्टार्ट करना होगा कि हम प्लास्टिक ना यूज़ करें, तब हम जाके दूसरों को हम गाइड कर पाएंगे कि प्लास्टिक ना यूज़ करें। तो जब तक हम यूज़ नहीं करेंगे, जब तक हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, ये यूज़ बंद नहीं करेंगे, तब तक फिर गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट हमसे है। जब तक गवर्नमेंट का सिर्फ बैन लगाना, मतलब हम लोग जब तक बंद नहीं करेंगे ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये पूरा जो भी है हमें करना है। और इस थैली से होने वाले नुकसान के बारे में बताया। छात्र छात्राओं ने सड़क पर प्लास्टिक थैली को लेकर चलने वाले लोगों को कपड़े की थैलियां भी बांटी और आने वाले भविष्य में प्लास्टिक की थैलियों को ना इस्तेमाल करने की सलाह दी। आपको बता दें, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में प्लास्टिक की थैलियां भले ही काम आती हों, मगर इन थैलियों से होने वाले प्रदूषण हमारे और आपके आने वाले भविष्य में घातक साबित हो सकती हैं। तो देश और दुनिया के तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।